सुबह के 5:30 बज गए और निकलने के लिए ऑलरेडी लेट हुआ था। प्लान था 4:30 का, क्योंकि 4:30 को निकलेंगे तो ठंडे मौसम में पहुंच जाएंगे, बट अभी लेट हुए 1-2 घंटा। हम लोगों को थोड़ा दिन को फेस करना पड़ेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जा रहा हूँ मैं एक ऐसी जगह जो बोलते हैं ना मानसून में लोग वाटरफॉल में जाते हैं, लेकिन समर में वाटरफॉल मिलता है या नहीं ना, तो फिर वही वाटरफॉल देखने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ। अब बिलीव नहीं करोगे ये टाइम पे भी वो वाटरफॉल चालू है, मतलब कितना बड़ा वाटरफॉल होगा जब वो मानसून में चलोगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते, अभी यहाँ से निकलता हूँ और पहुँचने के लिए 3 घंटा लगेगा ऐसे गूगल मैप में दिखा रहा है, और देखते हैं कितनी जल्दी पहुँचते और वहाँ पर जाके मैं आपको वो लोकेशन शेयर करता हूँ। चलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति हर हर महादेव। तो अभी निकलते ज़्यादा बिना देर किए हुए, और जो भी रास्ते का अपडेट है मतलब जैसे जा रहे हम लोग वो सारा मैं आपको शेयर करूँगा। तो मोस्टली ये अभी हिडन वाटरफॉल है, बट अभी अगर आप प्लान करोगे तो आराम से प्लान करके जाना, इसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूँगा कैसे जाना है, किस कैसे आना है, और फिर बाद में वो क्या क्या है, वो कैसे वाटरफॉल है। कैडबरी जंक्शन से अभी लेफ्ट लिया हमने और गूगल मैप को फॉलो कर रहे हैं। 3 रास्ता दिखा रहा है, एक आपको वसई विरार वाला दिखा रहा है, एक वाड़ा वाला रास्ता दिखा रहा है, और एक कोई तो बीच में कल्याण भिवंडी वाला रास्ता दिखा रहा है। तो गूगल मैप को फॉलो करते जाने वाला हूँ, देखते कितना टाइम लगेगा। नासिक वाले रास्ते से पकड़ के हम लोग जा रहे हैं एज पर गूगल मैप। तो हल्का फुल्का ट्रैफिक है, मतलब हेवी व्हीकल का जो टाइम है अभी तक वो चालू ही है, फिर मे बी 7:00 उनका बंद हो जाता है, तो उसके बाद हेवी व्हीकल्स रास्ते पे नहीं दिखते हाईवे पे। तो अभी फिलहाल दिख रही है 7 बजा नहीं है, 6:04 हुआ है। तो ये हो जाने के बाद थोड़ा और खाली हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, पर पता नहीं। तो बात ये है कि सामने से जो गाड़ी आ रही है अपोजिट डायरेक्शन से, उसके वजह से जो आगे का व्यू है पूरा ब्लॉक हो जा रहा है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसलिए गाड़ी स्लो चला रहा है। ऊपर से डस्ट ही है, पूरा मड़ वगैरह उड़ रहा है, तो उसकी वजह से भी क्लियर विजन नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग फिलहाल आराम से ही जा रहे हैं नासिक वाला रास्ता पकड़ के। 100 मीटर बाद जस्ट लेफ्ट मारे कुछ पाटिल प्रवेश द्वार करके ऐसा गेट था बहुत बड़ा, गेट के अंदर से हम लोग ने एंट्री मारा है। अब यहाँ से कितना किलोमीटर दिखा रहा है, सीधा 900 मीटर के बाद राइट है। ओके चलो देखते। ये एक्चुअली वाड़ पे जगह है, वाड़ पे आगे वाड़ पे से आके राइट मारा तो ये पाइपलाइन स्टार्ट हो गए। अब ये पाइपलाइन को पकड़ के ही जाना है, कम से कम कितना किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर जाना है शायद से, देखते हैं और कितना किलोमीटर ऐसे जाना है। बट ये रास्ते से मैं पहले भी आ चुका हूँ, भारवी डैम जाने के लिए ये रास्ता है। तो मेरा अगर भारवी डैम वाला वीडियो देखा रहेगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें यही सेम रास्ता हम लोगों ने फॉलो किया था। अभी 3 किलोमीटर बाद हमने लेफ्ट मारा है, लेफ्ट मारने के बाद ये सुकून वाला रास्ता चालू हो गया। देखो ये सारा सुकून वाला रास्ता है, बाजू बाजू में सारे झाड़ी पहाड़ दोनों साइड, और बीच में हम बाजार है। सो अब जाके हम लोग भी वाड़ा पहुंच गए। अब यहाँ से और है मैंने बोल गया 60 किलोमीटर होगा यहाँ पे। तो ये रहा वाड़ा, पहली बार आ रहा हूँ, पहली बार नहीं, एक बार आया था तो पटाखे लेने आया था दिवाली से, यही रास्ते से अब सेम रास्ते से ही जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई इडली उडली खाता नहीं लगता है, भूख लग गई यार, सुबह सुबह निकले थे कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब तो कुछ दिख भी नहीं रहा है खाने के लिए। गांव में हम लोग चल रहे हैं, कभी से 15 मिनट हो गया है, लेकिन नज़ारा देखो क्या भारी है। यहाँ से जवार मेरे को 15 किलोमीटर बता रहा है, उसके बाद जवार के बाद और आगे है थोड़ा हमारा डेस्टिनेशन जो कि है सीक्रेट वाटरफॉल। देखते और कितना समय लगता है, 7:30 बज गया होगा आराम से।
तो यहाँ पे देख रहे हो ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए कार मांडवी धबधबा जवार पालघर, और यहाँ पे फोर्ट भी है बांधना विभाग जवार। ठीक है चलो अब बढ़ते हैं, गेट से एंट्री लेते और जाते अपना डेस्टिनेशन की टूवर्ड्स। यार भूख लगी है कि कभी से, यहाँ पे कुछ खाने को नहीं दिख रहा है, कुछ भी खाने को नहीं दिख रहा है, कभी से भूख लगी है। यहाँ पे कहीं बोर्ड भी नहीं लिखा है, मतलब बोर्ड भी नहीं लगा है कहीं पे जहाँ पे लिखा हो खाने ची उत्तम सोए। 10 भी आई है देखो, काफी लोग पिकनिक भी आए यहाँ पे। भाई ये रास्ता है, काम चालू है रस्ते का, बस ठीक है। भाई फोर व्हीलर लेके आना मुश्किल का काम है भाई। फाइनली हमारे डेस्टिनेशन में हम पहुंच गए, वो रहा वाटरफॉल। यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, एक्चुअली उतर के जाना पड़ेगा तो समझेगा कि वाटरफॉल मतलब आपको दिखेगा तभी। और अभी यहाँ से मुझे काफ़ी आवाज़ आ रही है, लोग मतलब वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, तो मन हो रहा है कि मैं भी वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि जैसे चिल्ला रहे तो पता ना आपको एक्साइटमेंट बढ़ता है, तो मैं आपको वहाँ पे चल के दिखाता हूँ।